चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है नान खताई बिस्किट। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। सबसे पहले हमने लेना है हाफ कप घी, हाफ कप शुगर। इसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीनी लेके उसको पीस लिया बारीक सा। उसके बाद फुल भर के एक कप मैदा, बेकिंग पाउडर और एक अंडा। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए नान खताई बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, घी को ऐड करना है और उसके साथ ही पाउडर शुगर ऐड कर देनी है। अब इसको स्पून के साथ मिक्स कर लेना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना इसको, कोई लम्स आके बाकी ना रहे। कोई गुठली ना रहे, चीनी को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना इसमें। ये देखिए, जो अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया, कोई गुठली नहीं है बीच में, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर कोई है तो उसको सही तरह पीस लेना है स्पून के साथ ही। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है, मैदा लेना है और इसको छान लेना है। छानना इसलिए ताकि इसमें एयर भर जाए। आप इसको ज़रूर छान लीजिएगा। ये देखिए, ये इस तरह के जो ज़रात रह जाएंगे इनको नहीं आपने कुछ भी करना या मैश नहीं करना। ये छान लिया, इसको अब हमने इसमें ऐड कर देना है। आटा गूंद लेना है, काटा था। इसमें एक चुटकी नमक भी ऐड करना है, वो मैं याद भूल गई थी आप लोगों को बताना। ठीक है, एक चुटकी आप लोगों ने इसमें नमक भी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखें, इसको गूंद लिया। अब इसमें एक टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है भर के। ठीक है, इसको अब गूंद लेना अच्छी तरह। अच्छी तरह गूंद ताकि बेकिंग पाउडर अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए सब में। ये देखिए, हमारी डो तैयार हो गई है बिस्किट की। ये देखिए, अब हमने लेना है, मतलब साइज एक जैसा है इसलिए हमने एक स्पून के साथ ले रहे हैं ऐसे करके। पहले इसके बॉल्स बनाने हैं, थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। इस तरह पहले बॉल्स बना लेने हैं। ये एक टेबल स्पून लिया, ये जी हमारे सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब हमने इनको क्या करना है, एक को उठाना है, जो सी मर्जी आप शेप, गोलाई वाली, चौड़ाई में कोई भी शेप दे सकते हैं। अब स्पून लेना, स्पून से ऐसे डिजाइन डाल लेना है। ये देखिए, नजर आ रहा है? ठीक है, ये ऐसे रखी जाने। फिर स्पून लेना है, ऐसे
अगर ऐसे टूट जाए तो फिर दोबारा बेल देना, रोल कर लेना। ये देखिए जी, आप इस तरह भी बना सकते हैं। फोक लें, फोक के साथ ऐसे से निशान डाल लें, ये एक न्यू स्टाइल से। ठीक है, एक और आपको बना के दिखाती हूँ। देखें ऐसे ऐसे, और ऐसे। ये वाला ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं आप। ये देखें इस तरह करके ऐसे ऐसे भी डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। फिर एक लेंगे, ऐसे ये देखिए, ये सारे बना लिए मैंने बिस्किट्स। अब हम लेंगे अंडे की जर्दी, वाइट पार्ट लदा कर लेना और जर्दी जर्दी ले लेनी है, येलो पार्ट ले लेना है। ठीक है, इसको अब हम बिस्किट के ऊपर लगा लेंगे स्पून के साथ ही, थोड़ी सी डालेंगे। इसको थोड़ा साफ कर लेंगे ना, इस तरह लगा देने सारे अंडों, सारे बिस्किट्स को। ये देखिए सारे कंप्लीट होंगे, ये लास्ट वाला रहेगा, इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे बिस्किट्स के ऊपर जल्दी लग गई है। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। पतीला मैंने ये देखिए जी, पतीला हमने प्री हीट होने के लिए रख लिया था। अब इसमें ये गर्म रख देते हैं, ध्यान से रखिएगा। ये देखें व्यूवर्स, 40 मिनट गुजरने के बाद हमारी नान कतैया बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह बेक हो गई हैं। ये देखें इनका कलर ब्राउन हो गया है, पक चुकी हैं। ये देखें इनका कलर कितना अच्छा ब्राउन सा कलर आया, ये देखें। अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ। ये लेंगे, ये प्लेट में निकल आई। ये देखें कितनी मजे की, कितनी खस्ता है। ये बच्चों और बड़ों की सबकी फेवरेट होती है, अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।